दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार और सत श्री अकाल। दोस्तों ये डीबीसी कॉलोनी है और हम आ चुके हैं अपने मासी जी का घर आए हुए हैं और इस दुर्गा पूजा में हमारी मासी जी जो है ना इसी घर में रहती है और मासी जी से हम मिलने आए हैं। ओ मासी, अरे बाबा मेरा मासी लगता है अंदर में कुछ खाना उना बना रहे। कहाँ है? आई 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 आइए यहाँ आइए, यहाँ आइए मौसी जी। हाँ हाँ हाँ, यहाँ आइए, यहाँ आइए, मंच पर आइए मासी जी। मासी जी यहाँ, हाँ हाँ हाँ, मासी जी जो है ना मेरा बहुत करीब है, मेरा अपना मम्मी का ये सहेली है। कौन? मेरा मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है, वो मरहूम है, तो इसी को ही अपना मम्मी मान लिए है। ये मौसी जी है और मौसी जी का जो रोल होता है ना सबसे अलग रोल है इस दुनिया में। दोस्तों कैसा रोल है ये भी सुन लीजिए। अगर किसी का मम्मी डेथ हो गया, मान लीजिए मर गया, तो मौसी जी लोग का ऐसा रोल होता है कि वो क्या करता है, अपना बहनोई यानी जो हमारे अब्बा हजूर है उनसे तक मैरिज करने का क्षमता रखता है। कहे कि अगर हम करेंगे तो बच्चा लोग कम से कम बेघर नहीं होगा, उनको सही प्यार मिलेगा। तो इस मंच में हमने मौसी जी को चाहा है कि हर साल की भांति इसको काट दो, हर साल की भांति इस साल भी हम दुर्गा पूजा में इसको रखिए। साड़ी है आपके लिए, ये साया है, पहन कर मेला देखिएगा। और हम चाहेंगे कि मौसी जी को मेला देखने का दाम भी दिया जाए, कुछ पैसा भी लाए हैं। और इधर मौसा जी को थोड़ा दिखलाइए कि मौसा जी हमारे क्या करते हैं, पंचेत्र डैम में मछली पकड़ते हैं, इनका पेशा ही है मछली पकड़ना। आज हम गए थे पंचेत का जो मछली बाजार, लेकिन वहाँ मौसी जी मिली नहीं, तो हमने सोचा कि भाई जरूर मेरा मौसी घर में ही होगा। तो दोस्तों आज मेरे हम आए हैं अपना मौसी जी से मिलने और हम चाहते हैं कि मौसी जी को 10-20 नाथ दे करके कम से कम इस समय मेला घूमिएगा, मिठाई खाइएगा, रखिए और थोड़ा सा इधर आशीर्वाद दे दीजिए बाबा। हाँ हाँ हाँ, ये मौसी जी का आशीर्वाद मुबारक जी को मिल गया, यानी दुनिया का सबसे बड़ा प्यार मुबारक जी को मिल गया, ये जान लीजिए, इससे बड़ा प्यार है ही नहीं है। कुछ बोलना है? ये मेरा ओरिजिनल मौसी है, ये भी सुन लीजिए, मेरा माँ का जिगरी सहेली है। जब तक मेरे अंदर सांस है, जब हम मर जाएंगे तो वो अलग बात है, जब तक हम जिंदा है मेरी मौसी जिंदा है, हर साल हम चाहेंगे कि इनको कपड़ा लता देते रहे देते रहे, यही मेरा मानना है। तो दोस्तों इस बार पूजा में आप कोशिश कीजिए बम बारूद फटाका ना फोड़िए, उससे क्या है पॉल्यूशन फैलता है, क्या होता है पॉल्यूशन फैलता है, पक्षी जानवर जितने भी जीव जंतु है उनको भी काफी तकलीफ होता है। तो जो पैसा आप बम और फटाका और छुरछुरी में लगाइएगा वो पैसा से किसी मासी का खुशी को आप खरीद सकते हैं, मासी को खुश कर सकते हैं, ये मेरा खुद का मानना। अभी आपने सुना एक जगह बम फूटा है, हाँ, लेकिन कोई फायदा नहीं, बम फोड़ करके बहुत सारे जानवरों को तकलीफ हो जाता है, घर में बहुत सारे जीव जंतु उनको तकलीफ बढ़ जाता है। तो इन्हीं साफ शब्दों के साथ हमारे मौसा जी को थोड़ा दिखलाइए भाई, मौसा जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मौसा जी आइएगा मिठाई खाने के लिए, मौसा जी आएंगे मेरे यहाँ मिठाई खाने के लिए। इन्हीं साफ शब्दों के साथ बेटी बचाइए, बेटी पढ़ाइए और नारी को सम्मान दीजिए, खास करके नारी अगर नहीं है तो मुबारक जी का जन्म भी नहीं है, ये भी सुन लीजिए, नारी है तो हमारा जन्म है, आपका जन्म है, दुनिया का जितने भी लोग हैं उनका जन्म है, इसलिए नारी का सम्मान बहुत ज्यादा कीजिए, घर में बेटी को सम्मान कीजिए, नारी को सम्मान कीजिए। इन्हीं साफ शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।